ये कहानी एक ड्रीम गॉड यानी के ख्वाबों के देवता की है। ख्वाबों का देवता असल दुनिया में अपने एक असिस्टेंट को ढूंढने के लिए जाते हैं। जिस आदमी को ढूंढने के लिए आए थे वो लोगों को बुरे ख्वाब दिखाता था। वो बुरा इंसान था तो इसलिए दुनिया में भी आकर बुरा ही काम कर रहा था। लोगों की आंखें निकाल कर खाता था। वो अपने ख्वाबों की दुनिया से भाग आया था क्योंकि वो अपने हेड ख्वाबों के देवता के साथ काम नहीं करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है एक प्रोफेसर पर। वो एक सिटी में एक अमीर आदमी से मिलने के लिए आया था। ये काला जादू क्या करता था और इसके इस बड़े से महल में बहुत सारे लोग काला जादू सीखने के लिए आते थे। प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले ही अपना बेटा खो दिया था, यानी कि उसका बेटा मर चुका था। यहाँ पर इस अमीर आदमी को एक किताब देता है। उस किताब के अंदर काले जादू के मंत्र लिखे हुए थे। सोचता है कि ये इन मंत्रों को पढ़कर डेथ गॉडेस यानी कि मौत की देवी को अपने काबू में कर लेगा और फिर इसके बाद ये लोग अपने बेटे उससे मांगेंगे। वो आदमी वो जादू शुरू करता है। जादू उल्टा हो गया था। वो जादू ख्वाबों के देवता पर चल गया था। इस वजह से वो ख्वाबों का देवता अब उस आदमी के कब्जे में आ जाता है। कैद कर लिया था ये आदमी जो काला जादू किया करता था। इसको जादू कोई अच्छी तरह नहीं आता था। इनको अभी तक ये लग रहा था कि इन्होंने मौत के देवता को कैद किया है। ये उस ख्वाबों के देवता की तीन चीजों को चुरा लेते हैं। एक हेलमेट जो कि एक जादुई हेलमेट था, दूसरा एक रूबी जो कि एक लॉकेट में थी और तीसरा जादुई रेत की पोटली थी। ख्वाबों के देवता के होश में आते ही वो आदमी उससे अपने बेटों को मांगता है। उनको बिल्कुल भी जवाब नहीं देते। कैद करने की वजह से पूरी दुनिया में सिस्टम तबाह हो जाता है क्योंकि ख्वाबों के देवता का जो काम था वो कोई भी नहीं कर रहा था। जितने भी लोग नींद में थे वो सब के सब मर गए थे। 10 लाख से ज्यादा लोग थे जो नींद में ही मर गए थे। अब उस अमीर आदमी के पास ख्वाबों के देवता का वही असिस्टेंट भी आता है जो चाहता था कि वो आदमी और भी ज्यादा ख्वाबों के देवता को अपनी कैद में रखे। वो उस ख्वाबों के देवता के गिर्द एक जादुई घेरा बनाते हैं और उसको एक मजबूत ग्लास कवर में बंद कर देते हैं। वहाँ पर गार्ड्स दवाई खाया करते थे ताकि उन लोगों को नींद न आए। अगर हम सो गए तो ये हमें मार देगा। ख्वाबों के देवता के पास एक बर्ड भी था और उसने वहाँ पर उन सब पर नजर रखी हुई थी क्योंकि वो अपने मालिक को आजाद करवाना चाहता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। एक दिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी में उस जादूगर आदमी का बेटा ख्वाबों के देवता के पास जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे फादर ने तुम्हें कैद में रखा हुआ है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कब से इस कैद से आजाद करवा देता। तभी वो जादूगर आदमी अपने बेटे की बात सुन लेता है और वो उसको बहुत मारता है। कहता है तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो अगर वो देवता आजाद हो गया तो हम सबको मार देगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो उस ख्वाबों के देवता का एक परिंदा है जिसे तुम्हें मारना होगा। अब वहाँ पर वो परिंदा बहुत ही चालाकी से आग लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने मालिक को छुड़वा सके। पर तभी उस जादूगर आदमी का बेटा उसको गोली मार देता है। वो जादूगर आदमी और भी ज्यादा अमीर और मशहूर हो गया था। वो इसी खुशी में एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में एक लड़की थी जो उसके करीब आ रही थी। वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो उस आदमी को अपने बच्चे के बारे में बताती है, मगर वो आदमी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इसलिए अब उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अब उस जादूगर से वो तीनों चीजें चुरा कर भाग गई थी। वही तीनों चीजें जो इस जादूगर आदमी ने ख्वाबों के देवता से छीनी थी। ये सब बातें जादूगर बताने के लिए आता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम मुझे ये वरदान दे दो कि मैं कभी ना मरूं। जब वहाँ पर ख्वाबों का देवता उस जादूगर को कोई भी जवाब नहीं देता तो गुस्सा गया था और वो अब वहाँ पर अपने बेटे से लड़ने लगता है। इसी लड़ाई में जादूगर की जान चली गई थी। उस जादूगर आदमी का बेटा ख्वाबों के देवता से ये कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मगर इसके बदले तुम्हें मेरी जान बख्शनी होगी। बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। अब उस जादूगर का बेटा भी बूढ़ा हो गया था। वो अपने आखिरी वक्त में देवता के पास आता है और अभी भी वो उससे यही कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मगर तुम्हें इसके बदले मुझे माफ करना होगा। तभी जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसकी व्हील चेयर से वो जादुई घेरा थोड़ा सा मिट गया था जिसमें वो ख्वाबों का देवता कैद था और इसके बाद वो आजाद हो गया था। उसने उस जादूगर आदमी के बेटे को उसके ख्वाबों की दुनिया में ही कैद कर दिया था। अपनी दुनिया में आ गए थे यानी कि अपने ख्वाबों की दुनिया में। सब कुछ बर्बाद हो चुका था क्योंकि ख्वाबों के देवता पूरे 100 साल से उस आदमी की कैद में थे। दूसरी तरफ उस असिस्टेंट को भी ये बात पता चल जाती है जो बुरे ख्वाब दिखाया करता था। अब उसको इस बात का डर था कि ख्वाबों के देवता मुझे भी मार देंगे। वो अब उस लेडी के पास जाता है जो लेडी उस जादूगर से तीन चीजें चुरा कर लाई थी।
पास आया था वो तीन चीजें लेने के लिए। उसको बताती है कि दो चीजें तो मैंने बेच दी थी और एक जादुई लॉकेट मेरे पास है। उस लॉकेट ने उसको अभी तक जवान कर रखा था। असिस्टेंट उस लेडी से वहाँ से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो उस जादुई लॉकेट से उस असिस्टेंट को उसकी सपनों की दुनिया में कैद कर देती है। वहीं पर अब ख्वाबों के देवता को दोबारा से अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी तीन जादुई चीजों की जरूरत थी। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि वो तीन देवियों को बुलाएंगे जो इस ख्वाबों के देवता को उन चीजों के बारे में बता सकती थी। बुलाते हैं और उन तीन देवियों को एक सांप का तोहफा देते हैं। बताती हैं कि तुम्हारी जादुई रेत की पोटली एक लड़की के पास है जो दुनिया से डीमंस को भगाने का काम करती है, और दूसरा तुम्हारा जो हेलमेट है वो नर्क यानी के दोजख में है, और तीसरा तुम्हारा जादुई लॉकेट जिसके अंदर रूबी है वो एक लेडी के पास है। फिर इसके बाद वो लेडी अपने बेटे से एक हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, मगर उसका बेटा बूढ़ा हो चुका था। उस लॉकेट ने उस लेडी को अभी तक जवान कर रखा था। कहती है कि जब ख्वाबों का देवता तुम्हारे पास ये लॉकेट लेने के लिए आए तो तुम उसको ये लॉकेट देकर अपनी जान बचा लेना। लॉकेट उतारकर अपने बेटे को दे देती है। जैसे ही वो लॉकेट उतारती है वो बूढ़ी होकर मर गई थी। अब उसका बेटा ख्वाबों के देवता को उसका लॉकेट वापस नहीं करना चाहता था। लॉकेट का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर गार्ड को मार देता है। इसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसके बारे में तीन देवियों ने बताया था कि उस लड़की के पास जादुई पोटली है। वो लड़की अब ख्वाबों के देवता से मिलती है, कहती है कि बाहर मेरा इंतजार करो, और खुद एक चर्च में चली जाती है। दरअसल यहाँ पर ये एक डीमन को भगाने के लिए आई थी। वो लड़की वहाँ पर मंत्र पढ़ती है और उस डीमन को इंसान की बॉडी से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर ख्वाबों के देवता भी आ गए थे, अपनी जादुई पोटली मांगते हैं, मगर वो लड़की ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम्हारी मदद कल करूँगी। वहाँ पर ख्वाबों के देवता को एक परिंदा भी मिलता है जो उनकी केयर टेकर ने उनकी मदद के लिए भेजा था। वो लड़की उनको बताती है कि वो जादुई रेत की पोटली मेरी एक दोस्त के पास है। वो उनको उसके घर पर लेकर जाती है। उसके दोस्त के हाथ में वो जादुई पोटली थी और वो मर चुकी थी। अब ख्वाबों के देवता को अपनी एक चीज रेत की पोटली तो मिल गई थी। असिस्टेंट को देखते हैं जो उसी लेडी के बेटे के पास आया था जिसके पास रूबी थी। उससे मिलने के बाद उस असिस्टेंट को ये पता चल गया था कि ये बिल्कुल साइको है। दूसरी तरफ ख्वाबों के देवता नर्क यानी के दोजख में चले गए थे। वहाँ का गेटकीपर उनको असल रास्ते पर लेकर जाता है और वो वहाँ पर दोजख की मलिका के पास लाया था। वो वहाँ पर दोजख की मलिका को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि कैसे उनके जादुई हेलमेट को चुरा लिया गया था। बताते हैं कि तुम्हारे ही नर्क में एक डीमन के पास मेरा वो हेलमेट है। वो हेल की मलिका वहाँ पर अब उस डीमन को बुलाती है जिसके पास वही जादुई हेलमेट था। वो डीमन कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक गेम खेलूंगा, अगर तुम जीत गए तो ये जादुई हेलमेट तुम्हारा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ पर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। अब यहाँ पर वो खेल ख्वाबों के देवता जीत गए थे क्योंकि उन्होंने सही सवालों का जवाब दिया था। ख्वाबों के देवता को अपनी दूसरी चीज जादुई हेलमेट भी मिल गया था। अब उस रूबी लॉकेट तक पहुंच गए थे, मगर जैसे ही वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे जाकर गिरते हैं और बेहोश हो गए थे क्योंकि वो रूबी अभी तक लेडी के बेटे के कब्जे में थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर उस रूबी की पावर का इस्तेमाल करता है और सब पर जादू कर देता है कि सब लोग एक दूसरे से सच बोलने लगे, और ऐसा ही होता है। रेस्टोरेंट में लोगों का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लोग खुद से ही खुद को मार लेते हैं। वहीं पर ख्वाबों के देवता आते हैं। वो उस आदमी को समझाते हैं कि ये रूबी तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुँचा रही है, मगर उस आदमी को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो भी उस रूबी लॉकेट के बस में था। देवता उस आदमी को ख्वाबों की दुनिया में कैद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो आदमी खुद से ख्वाबों की दुनिया में चला गया था और वहाँ पर देवता को मारना चाहता था। वहाँ पर ख्वाबों के देवता उस रूबी की पावर को सारा अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उस लेडी के बेटे को हमेशा के लिए उसके ख्वाबों में कैद कर दिया था, और इस आदमी का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। तीनों चीजें मिल चुकी थी और वो बिल्कुल मुकम्मल हो गए थे। अब जो मौत की देवी थी वो ख्वाबों के देवता की बहन थी। अपनी बहन डेथ गॉडेस यानी के मौत की देवी से मिलने के लिए जाते हैं, मगर ख्वाबों के देवता अभी भी कुछ अलग महसूस कर रहे थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि उनके बहन भाइयों में से उन्हें कोई भी बचाने के लिए क्यों नहीं आया। डेथ गॉडेस अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहती है।
देखते हैं कि उनकी बहन की जॉब कितनी ज्यादा मुश्किल है कि लोग तो मरने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। और आखिर में उन लोगों का गुस्सा मेरी बहन यानी के मौत की देवी को बर्दाश्त करना होता है। उनकी बहन बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई और अब मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ कि तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया को दोबारा से बना सकते हो। ख्वाबों के देवता थे, उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करने के लिए रखा हुआ था। उनकी केयर टेकर बता रही थी कि हमारी दुनिया से आपके असिस्टेंट अभी भी 3 गायब हैं। उनके गायब होने का जिम्मेदार खुद को समझ रहे थे और वो कहते हैं कि अब मुझे इन सबको वापस लाना होगा। अब सीन एक न्यू करेक्टर रोज पर शिफ्ट होता है। वो और उसका भाई दोनों अलग हो गए थे। उसके भाई को एक फैमिली को दे दिया गया था। वहाँ पर रोज अपने भाई को ढूंढ रही थी। ख्वाबों के देवता कहते हैं कि मैंने रोज पर नजर रखी हुई है और उसी की मदद से मैं अपने तीनों असिस्टेंट को ढूंढ कर लाऊंगा। पर ख्वाबों के देवता रात ही में रोज पर नजर रख सकते थे, इसीलिए वो दिन में अपने एक परिंदे को उस पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। रोज अपने दोस्त के साथ अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एक ऑर्फन हाउस में जाती है जहां पर उसका भाई रहा करता था। वो वहां की ऑर्फन हेड से पता करती है तो उसको पता चलता है कि उसके भाई को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। वो हेड ये भी बताती है कि तुम्हारा भाई एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है जो तुम उसे नहीं दे पाओगी। अब जो बर्ड ख्वाबों के देवता ने रोज पर नजर रखने के लिए भेजा था वो आकर बताता है कि रोज अपने भाई को नहीं ढूंढ पा रही। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो अपने ख्वाब में भी जाकर अपने भाई को नहीं ढूंढ पा रही। तभी वो ख्वाबों के देवता के पास पहुंच गई थी। रोज को ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे एक असिस्टेंट के साथ है और अपने भाई को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम एक वॉर्टेक्स हो। वॉर्टेक्स वो होती है जो अपने ख्वाबों की दुनिया में रहकर दूसरे इंसान के ख्वाब में जा सकती हो। जब ख्वाबों के देवता के साथ रोज अपने भाई को ढूंढती है तो वो कामयाब हो जाती है। उसको उसका भाई मिल गया था और ख्वाबों के देवता को अपना असिस्टेंट मिल जाता है जो उनकी ख्वाबों की दुनिया से गायब हो गया था। रोज की दादी माँ उसको बताती हैं कि असल वॉर्टेक्स वो थी मगर उनके कोमा में जाने की वजह से वॉर्टेक्स रोज बन गई। रोज की दादी माँ जाते जाते ख्वाबों के देवता को एक बात बताती हैं कि उन्होंने ख्वाब में एक आदमी से शादी की थी जिसकी आंखें गोल्डन थी और ऐसा आदमी मैंने असल दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा। देवता को ये बात समझ आ गई थी कि वो गोल्डन आइज वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका भाई था और ये सब कुछ उसी ने किया था ताकि ख्वाबों के देवता मर जाएं और सारी ख्वाबों की दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाए। और अब वो अपने भाई के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मेरी दुनिया से दूर रहो और वापस से अपने ख्वाबों की दुनिया में जाकर सब कुछ ठीक करने लगते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।